मनीष कश्यप के लिए एक लाइन में, जब तक आप वो केस इनके ऊपर लंबित है वो तमिलनाडु नहीं जाएंगे। यही नारा लगना चाहिए, तमिलनाडु नहीं जाएंगे, बिहार में ही रहेंगे। ये बात कंफर्म हो गया, ये कंफर्म, ये अब बिहार में रहेंगे। यहाँ पर जो है बड़ी खबर आप लोगों के लिए, फूलों की बारिश हो रही है। मनीष के दर्द को समझा और मनीष को कहा कि जब तक मैं रहूंगी तब तक आप बिहार रहिएगा। बिहार में ही इनको रखा जाएगा, बेऊर जेल में वो जाएंगे। अच्छा। बेऊर के लिए नमस्ते। कहाँ थे आप? हैं। नमस्कार प्रणाम मित्रों, मेरा नाम है मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। हमारे पीछे भीड़ देख रहे होंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में आज हमारे साथ हैं नागेश सम्राट जी और बहुत बड़ी खबर अभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। चलिए सबसे पहले सीधे हम इनसे बात कर लेते हैं। और सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। देखिए धन्यवाद चाचा लोग को, ये रॉकेट है ये लोग। और आपको भी सर गुड न्यूज मिला है कि हमारे भाई को बिहार रखने के लिए सारिका वालिया जो न्यायाधीश हैं उन्होंने कहा है कि जब तक मैं रहूंगी तब तक हमारा भाई यहाँ रहेगा। और ये जज साहब यानी कि आज बहुत बड़ी राहत की खबर मनीष कश्यप जी के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है कि मनीष कश्यप जी को बिहार से अब तमिलनाडु नहीं जाना पड़ेगा। क्या भैया? सही बात है, कहे जाएगा भैया, कहे जाएगा, अपराधी किया है, अपराध है वो ना। अरे आज जो भीड़ लगाया है, कुछ लोग तो भाई मीडिया को पैसा देके बुलाते हैं, लेकिन ये आदमी जो है प्यार पे आया है यहाँ पे, प्यार। यहाँ पर जो है बड़ी खबर आप लोगों के लिए, फूलों की बारिश हो रही है और ऊपर से सुनिए इधर, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। यही नारा लगना चाहिए पूरे जगह पे। अरे कहना है जमाने से बिहार के लाल को कौन रोक देगा बिहार आने से। और सर आपने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया कि मनीष का सीनियर कमाल किया, हमारे सीनियर कमाल, आप भी तो उसमें सम्मिलित थे, सम्मिलित थे। ये लोगों का ये संबंध है जो जज के सामने जब प्रोड्यूस रखा जाता है तो जज साहब ने समझा इस बात को, उस दर्द को समझा, एक माँ के दर्द को समझा और मनीष को कहा कि जब तक मैं रहूंगी तब तक आप बिहार रहिएगा। यानी कि अब तमिलनाडु जाने का झंझट खत्म। अरे एकदम नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा भाई, बिहार का लाल बिहार में रहेगा। क्योंकि कल की जो स्थिति देखी जा रही थी उससे भी बहुत सारा अनुमान लगाया जा रहा था कि करण कश्यप भैया कल कुछ लाइव में दिखा रहे थे कि जेल में उनको बेतिया में रखना था लेकिन बेऊर जेल भेज करके उन्हें दौड़ाया जा रहा था। गलती था वहाँ, क्या था कि प्रोडक्शन वारंट पे यहाँ का होना चाहिए था ना, वो प्रोडक्शन वारंट बेतिया का था, वो कंफ्यूजन तमिलनाडु पुलिस को समझ में नहीं आया, लेकिन आज समझ में आ जाएगा क्योंकि आज प्रोडक्शन वारंट पे बेऊर जेल लिख दिया जाएगा और भाई को बेऊर जेल में रखा जाएगा। और आपका जो है कहीं ना कहीं 11 लाख हनुमान चालीसा एकदम एकदम। और सबसे बड़ा बात यह है कि आज सुन लीजिए, कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हनुमान जी को जो समझा है ना वो हर कार्य को सिद्ध किया है और हनुमान जी में आज हनुमान जी का ही हनुमान जी का दिन है। मंगलवार के दिन अमंगल कभी नहीं हो सकता, मंगल ही मंगल होगा। और देखिए फूलों की बारिश के साथ साथ यहाँ पर महादेव जी भी बारिश करवा रहे हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं जो है बड़ी राहत की खबर यहाँ पर है। और सर मनीष कश्यप जी के लिए जेल से बाहर लाने का, अभी मनीष कश्यप बस यही था कि बेचारे का जब न्यायाधीश ने कहा ये बात तो मनीष के आंखों में आंसू जो आया वो रुक नहीं रहा था जी। और उस आंसू का मूल हम सभी को समझना पड़ेगा जी। और बिहार के मुखिया जो नीतीश कुमार जी हैं उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि कम से कम अब आप जग जाइए, बिहार के बेटों को बिहार में रख लीजिए क्योंकि आप भी तो बड़े मुखिया हैं, न्यायपालिका पे हमें विश्वास है, आप पे ही विश्वास अब हमें है, आप रख लीजिए बिहार के बेटे को, यही हम कहेंगे। 4-5 महीना का परिश्रम के बाद आज जो है बड़ा सफलता हाथ लगा है, क्या कहिएगा? नहीं नहीं बहुत अच्छा बात है, अधिकार है ये सफलता, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं तो इसमें सफलता पाना चाहते थे अपने अधिकार के लिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन देखिए हम तो ये कहें कि सरकार से पहले क्योंकि भैया सिक्योरिटी मुहैया करा दीजिए। हाँ उनको सिक्योरिटी चाहिए यहाँ पे बिहार में, बिहार में अगर है तो उनको सिक्योरिटी मुहैया जरूर कराया जाए। क्या नागेश भैया? यहाँ क्राउड बहुत ज्यादा है जो उनको प्यार करने वाला है और आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। मनीष जब अंदर बैठा भी हुआ था तो सारे लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, जो लोग खिड़की से हाय कर रहे थे उनको भी प्रणाम करा, तो ये उसका बड़प्पन है, वो जानता है कि बिहार के लोगों का हमारे हृदय में क्या मोल है और बिहार के लोगों के हृदय में मनीष कश्यप का क्या मोल है, ये मायने रखता है और ये चीज आज सिद्ध हो गया। आज सिद्ध हुआ, आज जो बिहार में रहेंगे जी, बेऊर जेल में रहे। और बाहर हम लोग कब तक देखेंगे उन्हें?
ज्यादा समय नहीं लगेगा, तमिलनाडु के सारे केसों में बेल हो गया है, बचा है बिहार का केस, सारे केस में बेल होगा और हमारा भाई दो से ढाई महीने बाद तमिलनाडु में जो बेल हो गया है, लेकिन एनएसए का क्या प्रक्रिया हुआ? देखिए एनएसए लगा देने से वो साबित नहीं होता है, एनएसए को समझाना पड़ता है और एनएसए के बारे में वहाँ के जज भी समझ रहे हैं कि एनएसए गलत तरीके से लगाया गया है और वो एनएसए हटेगा, हमारे भाई के ऊपर से एनएसए हटेगा। और कब तक लगता है कि हट जाएगा? देखिये एनएसए भी हट जाएगा और हट गया है, और अगला साल आप लोग रहिएगा इलेक्शन में, उनको टिकट मिलेगा। ये समीर चौधरी खुलासा कर रहा है, बड़ा खुलासा यहाँ पर समीर चौधरी के द्वारा कि यहाँ पर जो है मनीष कश्यप जी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। सिस्टम को सुधारना है तो सिस्टम में प्रवेश करना पड़ेगा, अगर जब तक आप सिस्टम में प्रवेश नहीं करेंगे सिस्टम नहीं सुधर सकता है। माइक लेकर के हम लोग रगड़ सकते हैं, मेहनत करके कुछ चीज दिखा सकते हैं, लेकिन सिस्टम सुधार नहीं लगता है कि बिहार का सिस्टम सुधर जाए। सुधारने के लिए मनीष कश्यप को बिहार का लाल जैसा बना मनीष कश्यप, वैसे सारे बिहार के लाल सोचने लग जाएंगे, सिस्टम बदल जाएगा। बहुत बड़ी बात यहाँ पर देखे आप लोगों ने कि बहुत बड़ी खुलासा यहाँ पर हो रही है कि मनीष दीपावली है। देखिए यहाँ पर बिहार के लिए और मंगलवार के दिन जो है यह जीत प्रक्रिया को कंप्लीट किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए और बड़ी खबर यहाँ पर आप लोगों को दिखा देना चाहते हैं कि यहाँ पर शिवनंदन भारती जी वकील साहब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे होंगे, जो मनीष कश्यप जी के लिए लगातार कई दिनों से ऐसा कर रहे थे। जी सर क्या बात हुई है, जज साहिबा ने क्या कहा मनीष कश्यप? मनीष कश्यप के लिए एक लाइन में, जब तक आप वो केस इनके ऊपर लंबित है वो तमिलनाडु नहीं जाएंगे। जाने दीजिए, जाने दीजिए, हमको जाने दीजिए, हमको जाने दीजिए, ऐसे ही होता है, जाने दीजिए, जाने दीजिए दादा। हाँ यही चीज है कि इनको जब तक अब है वो यहीं रहेंगे, अब उनको तमिलनाडु नहीं भेजा जाएगा, यही खबर। मनीष कश्यप को राहत मिल गई है कोर्ट से, पटना कोर्ट से, अब तमिलनाडु नहीं जाना है उनको? नहीं तमिलनाडु अब नहीं जाना। चलिए ये जेल में सर रखा जाएगा, अभी इनको बिहार में ही इनको रखा जाएगा, बेऊर जेल में वो जाएंगे। अच्छा। बेऊर के लिए मतलब ऐसे डेट भी है, मतलब बताएगा कितना महीना रहेंगे, मतलब दिन रहेंगे? जब तक किसी भी व्यक्ति को बेल नहीं होता है तब तक वो जेल में रहते हैं। जेल होने की कब तक ये चांस है सर? चांस कब तक है बेल होने का? देखिए अन्य अभियुक्तों को जो जिस हिसाब से बेल मिला है तो ऐसे परिस्थिति में आप ये उम्मीद कर सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाइए जाम हो जी। अच्छा पूर्ण रूप से कब मनीष कश्यप बाहर निकलेंगे? पूर्ण रूप से यदि आप देखेंगे जी तो 15 दिन के अंदर में इनको लगता है कि वो 15 से 20 दिन का जो अवधि है वो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और 15-20 दिन में वो जेल से बाहर। अच्छा तमिलनाडु सरकार क्या बोली है, क्या मतलब पुलिस जो आई है क्या बोली? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मनीष कश्यप जी को लेकर शिवनंदन भारती भी सामने आ रहे हैं और लगातार यहां पर पटना सिविल कोर्ट में जो है भीड़ दिख रही होगी आप लोगों को, क्योंकि यहां पर जो है बारिश भी हो रहा है और यहां पर फूल की बारिश भी की जा रही है। और मनीष कश्यप जी के लिए सबसे बड़ी आज तक की जो है सबसे बड़ी राहत की खबर यही है कि वो अब बिहार में रहेंगे और जल्द से जल्द बिहार की धरती पर, हमारे भारतवर्ष की धरती पर फिर से उसी तरह से दहाड़ेंगे और जनता के लिए, गरीब मजदूरों के लिए लगे रहेंगे। जी तो देखिए हमारे साथ हैं शिवनंदन भारती जी, जो बड़ा खुलासा आप लोगों के लिए किए हैं। सर कब तक मनीष कश्यप जी बाहर होंगे जेल से? अभी बेल की प्रक्रिया अब चलेगी तो बेल में उनको लगता है कि अभी मोटा मोटी समय लगेगा, एक महीना, लेकिन अभी आप ये कर सकते हैं कि वो जो तमिलनाडु नहीं जाएंगे, बिहार में ही रहेंगे, ये बात कंफर्म हो गया। ये कंफर्म कि अब बिहार में रहेंगे। हाँ। ऐसा तो नहीं कि फिर भविष्य में किसी तरह से उन्हें तमिलनाडु बुला लिया जाएगा? नहीं ऐसी कोई बात अभी नहीं है, उनको यहीं पर अभी रखा जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ थे शिवनंदन भारती जी, जिन्होंने हर चीज का खुलासा एकदम तरीके से कर दिया है और जो हमारी बिहार की जनता चाह रही थी वही हुई आखिरकार सत्य की जीत हुई। और बुराई पर कब इस चीज का गहरा असर पड़ता है ये अब हम लोगों को देखना है। तब तक के लिए इसी तरह से देखते रहिए संस्कृति बिहार। जय हिंद।